राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से लेंगे। इस मामले में किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं होगा। इसके साथ ही पार्टी हार के कारणों का विश्लेषण करेगी और पार्टी आलाकमान का फैसला ही अंतिम होगा। पांडे ने पीएम मोदी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से एक सशक्त विपक्ष का रोल अदा करेगी और कई मसलों पर दिल्ली में हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह ने बातचीत की अविनाश पांडे से। प्रभारी अविनाश पांडे मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से प्रदेश में 25 की 25 सीटें जो हैं कांग्रेस जो है जीतने में नाकामयाब रही, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? निश्चित रूप से प्रदेश की जनता, जिसने अपना बहुमत जिन उम्मीदवारों के पक्ष में दिया, जिस पार्टी के पक्ष में दिया, निश्चित रूप से वो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और उनने जो विश्वास हमको हासिल करना था, हम नहीं कर पाए। पार्टी में किसी की जिम्मेदारी तय होगी इसको लेके? पार्टी में किसी एक नेता, किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए, ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पूरे देश के अंदर चुनाव हुआ, 542 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव किए गए। सभी राज्यों में पूरी कोशिश की, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं ने एकजुट होकर पूरा परिश्रम किया, उम्मीदवारों ने मेहनत की, पार्टी के हर एक यूनिट ने बूथ से लेकर और प्रदेश तक हर एक ने अपना अपना योगदान दिया। सफल नहीं हो पाया उसके कारण मालूम करना ज़्यादा आवश्यक है। और निश्चित रूप से ये चुनाव कोई इशू पे तो हुआ नहीं था, ना ही कोई मुद्दे थे, ना ही 2014 से 2019 का मोदी जी के परफॉर्मेंस के ऊपर में कोई बहस हुई, ना कोई उसके ऊपर में लोग अपना निर्णय ले पाए। तो स्वाभाविक है कि ये चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा गया और उसमें उन भावनात्मक मुद्दे और वास्तविकता दोनों में वास्तविकता हार गई, भावनात्मक मुद्दे जीत गए। इतनी रैलियां, इतने रोड शो, इतने जो है बैठकें, इतनी स्ट्रैटेजी, वो सब विफल रही। एक सीट भी कांग्रेस जो है हासिल करने में नाकामयाब रही देश भर में इतनी कम स्थिति में। अब ऐसे में कल अगर CWC की बैठक होगी राजस्थान को लेकर, क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या कुछ फैसले होंगे? देखिए, लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा ताकत है कि इतनी रैलियां, इतने रोड शो, आपने खुद ही कहा, लोकतंत्र लोगों के विचारों पर, लोगों के बहुमत पर बनता है, स्थापित होता है। क्या लोकतंत्र के उसमें हम कहाँ कम पड़े, पहले वो कारण तो मालूम होना आवश्यक है। तो उसको मालूम मत करने के बाद में CWC जो जिस प्रकार से फैसला लेगी, इन सभी मुद्दों पर लेगी, आगे की भूमिकाओं के ऊपर में लेगी, जब चर्चा होगी तो उसमें चर्चा की जाएगी, उसमें बात करेंगे। अध्यक्ष, क्या चेंज करने की बात हो रही है? किसी प्रकार की कोई चेंज करने की आज बात ही नहीं है। सभी ने मेहनत की है, सभी ने काम किया है, सभी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की है। हम इसमें कहाँ नाकाम हुए, पहले उसकी जांच करना आवश्यक है और उसके लिए उचित कार्यवाही और उचित कदम, आगे हम किस और मजबूती से कैसे लड़ सकते हैं, किस प्रकार से मजबूती से हम विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह हम कैसे कर सकते हैं, उन विषयों पर चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक है। तो किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये कल तय होगा CWC की बैठक में, और नेतृत्व में परिवर्तन होगा कि नहीं, फिलहाल अभी ये भी कहना मुश्किल है। जिस तरीके से प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कल CWC की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV।